ऑलराइट जी, अब मैं आपको बताऊंगा आज के किस तरह से प्रॉपर पुलअप्स किए जाते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं पुलअप्स की, उनका ख्याल करना है जब आप पुलअप्स कर रहे हो। सबसे पहले आप देखिए कि ग्रिप प्लेसमेंट किस तरह से करनी है। बिल्कुल सीधे खड़े होंगे, आपके आर्म्स जो हैं शोल्डर से थोड़े से वाइड चाहिए, और पूरी आपने ग्रिप करनी है, पंजे पूरे आपने इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और अपनी बॉडी को अलाइन करना है, बिल्कुल डेड हैंग करना है, बिल्कुल सीधा लटक के, बिल्कुल डेड हैंग करके, और अपने आप को पूरा ऊपर लेके जाना है, ऑल द वे पूरा ऊपर लेके जाएंगे, कोर एंगेज, लेग्स बेंट, और पूरा नीचे आएंगे, सांस छोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, सांस रोकेंगे, एल्बोज इनवर्ड, रिब केज के करीब, फुल रेंज। इट्स अबाउट क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। क्वालिटी बेहतर होगी तो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। पूरा ऊपर और आराम से नीचे आएंगे, फुल डेड हैंग करना है। और अच्छा, ये थी हमारी पुलअप की टेक्निक। अब जो ग्रिप प्लेसमेंट है हाथों की, हाथ शोल्डर से थोड़ा सा वाइड करके आपने इतने रखने हैं। दिस इज़ हाउ वी डू पुलअप्स नेचुरल ग्रिप के साथ। बाकी जो ग्रिप्स हैं आप फुल वाइड करेंगे, वो डिफरेंट मसल्स को, गोल्स को ट्रेन करने के अकॉर्डिंग है। मिसाल के तौर पे आप अपने लैट्स पे फोकस करना चाहते हैं, कमर का ऊपर वाला हिस्सा, वाइड ग्रिप के पुलअप्स करेंगे। आप अगर आर्म्स पे फोकस करना चाहते हैं और इनर मसल्स के, बैक के जो मसल्स हैं उन पे फोकस करना चाहते हैं, ग्रिप क्लोज हो जाएगी, शोल्डर इन्वॉल्व है, आर्म्स इन्वॉल्व हो रही है साथ में, तो हम न्यूट्रल ग्रिप यूज़ करते हैं पुलअप्स के लिए। शोल्डर से थोड़ी सी वाइड, और आप देखेंगे जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल अलाइंड है, मैं बॉडी को शेक नहीं कर रहा। आपने शेक करना है ना झटका लेना है। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेग बेंड की, आर्म से डेड हैंग, और पूरा ऊपर, बॉडी को मूव नहीं करना, शेक नहीं करना, और आराम से नीचे आएंगे। एक रेप करें, हाफ रेप करें, पूरा ऊपर जाएं, पूरा नीचे आएं, फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करें। किसी से आप हेल्प भी ले सकते हैं। एक दिन एक रेप किया, हाफ रेप किया, जितना हो सकता है अगले दिन कोशिश करें दो रेप्स करने की या एक पूरा करने की। ट्राई एवरी डे, और दिस इज़ हाउ वी डू पुलअप्स। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ भी आती जाएगी और आप ज़्यादा पुलअप्स भी कर सकेंगे, लेकिन फ़ौरन से नहीं होगा, जल्दी नहीं करनी है। अपनी फाउंडेशन, अपनी कोर बेहतर करनी है, बेसिक्स ठीक होंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सब कर सकेंगे, डिफरेंट वेरिएशन भी ट्राई कर सकेंगे।